यही है वो लड़की। तुम चर्चा कर रही थी इसकी। इस कॉलेज में है ये? जी अब कॉलेज में नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ आ जाइए सोफे पर। हाँ जरूर जरूर जरूर। इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि समय ही नहीं मिल पाता। लो 5 मिनट है साथ में। उनका अनुरोध था कि मैं 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। भाई विशेष रूप से कई लोग भी आने वाले हैं मिलने के लिए। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। बैठ जा, खड़ी तो ये जल्दी चले जाएंगे। मैं सोच रही थी चाय का पानी। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं इस समय। वैसे भी मैं बहुत कम ही पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर्स डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से ये रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीजें निकालते हैं। अपने यहाँ तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ, कोई ढंग की पत्रिका मिलती ही नहीं है देखने को। ऐसा है मामा जी। बैठ तू। आप एक कैंडी लेंगे? ना ना बिल्कुल भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सो सभी देशों के लोग मिलने के लिए आते रहते हैं। अभी पिछले दिनों तो जापान से पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था मिलने के लिए। और अभी मैं जापान की भी पिछले दिनों की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा हूँ। उसे कहने दो थोड़ी देर। आप कॉफी पसंद करते हो तो एक कैरी। ना चाय ना कॉफी। अच्छा एक घटना सुनाओ आपको कॉफी पीने के संबंध में। बात अभी की नहीं, बहुत समय पहले की है। तब की जब मैं अपने ही विश्वविद्यालय में साहित्यिक सभा का मंत्री था। साहित्यिक गतिविधियों में तो रुचि पहले से ही थी, सो मैं लगा रहा उसी में। बैठ जाओ तुम दोनों लोग भी। बात ऐसी बैठ तू। अब मैं तो नमकीन लेकर आता। आपको पहले कहीं देखा है शायद? नहीं देखा मुझे आपने? हाँ किसी इंटरव्यू में। नहीं तो फिर भी लगता है कि देखा है। कोई और ही होगी शायद, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। विचित्र बात नहीं है ये? क्या? कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे एक अंकल हैं, पीठ से देखो तो मोरारजी भाई लगते हैं। हमारी एक आंटी हैं, गर्दन काट कर देखो तो जीता सोलो जिंदा नजर आती है। हाँ कई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विचित्रताओं की ओर अगर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि मैं भूल तो नहीं आया घर पर। हाँ तो मैं कह रहा था कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो। जापान की औद्योगिक क्या थी वो? अरे उसकी बात नहीं कर रहे थे जी? कोई घटना सुना रहे थे आप कॉफी पीने के? हाँ हाँ तो मुझे हाँ जरूर लो, तुम भी लो, बैठ भी जाओ। अब किस विषय में? जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नजर में तो। बहुत स्वादिष्ट है। याद है ना आपको? हाँ याद है याद है। तुमने शायद अपने किसी कजन के लिए कहा था? नहीं, वो तो मिसेज माथुर की लड़की ने था। पर तुमने किसके लिए कहा था? इसके लिए। हाँ हाँ अरे आप इधर आ जाइए, इतना दूर क्यों बैठे हैं? जी जरा मुझे। अच्छा अच्छा हमारे देश का तो जलवायु ही कुछ ऐसा है कि क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इटली। और इटली की सबसे बड़ी विशेषता आपको पता है क्या है? बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? लो 7-5 तो यही हो गए। अब जी यही कोने पर एक दुकान है। अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ कि हमारे देश का रहन सहन और पहनावा, और मैं भी क्या वो अमेरिकन भी तो यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान
रहन सहन और पहनावे में है। वो क्या सभी विदेशी यही बातें कहते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। अच्छा अब तुम अपने इस साड़ी को ही ले लो, कितनी साधारण है। फिर भी अगर हमारे यहाँ ये हड़तालों बड़तालों का चक्कर ना होता तो हमारा वस्त्र उद्योग तो अब तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। अच्छा तुमने वो नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है, कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ तो डीए पहले से ही इतना है कि हाँ तुम्हें कुछ कह रहा था शायद। जी कई बातें कह रहे, पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने, इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। हाँ पर उसके बाद खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकन जर्मन रूसी शीत युद्ध हड़तालें। हाँ हाँ बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। हाँ तुम्हें तो मेरा कहने का मतलब ये था। थोड़ा और दे दीजिए। नहीं बस अब और थोड़ा सा। अच्छा देखिए आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। जरूर जरूर। किसके लिए क्या करना है? कोई ना कोई बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? कौन सा? ओ ओ वो तीसरे साल में बीमार हो गया था। हाँ हाँ बताया था तुमने कि अभी पिछले दिनों एयर इंडिया में भी काम करता था ना। एयर फ्रीज में। हाँ वही एयर फ्रीज में। Ha 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 ha!